वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। कांग्रेस के मंच से इस तरह की तस्वीर बहुत ही कम देखी होगी, जब मंत्रोच्चार हो रहा हो, बाकायदा पंडित भी हो और घंटियां भी बज रही हो। चौंकिए मत, ये कांग्रेस का ही मंच है, सेकुलर कांग्रेस का। मंच पर राहुल गांधी ही है, तिलकधारी, जनेऊधारी और नए नवेले कश्मीरी पंडित बने राहुल गांधी, जो हिंदुओं का राज लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अब भारत पर हिंदुओं का राज हो। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद राहुल गांधी कह चुके हैं। और ये देश हिंदुओं का देश है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। जो पार्टी कभी ये कहा करती थी कि देश के संसाधन पर पहला हक मुस्लिमों का है, अल्पसंख्यकों का है, उसी पार्टी के राजकुमार अब हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं और भगवा राज लाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इतनी तेजी से रंग बदला कि एक बारगी गिरगिट भी अपने आप को देखकर शर्मा जाए। पार्टी के पुराने बयानों को पीछे छोड़ राहुल गांधी 360 डिग्री घूम चुके हैं, इसलिए मंच से ऐसी तस्वीरें सामने आती है। पर हिंदुत्व की राह पर चलना इतना आसान नहीं, राहुल के लिए तलवार की धार पर चलने जैसा है। ना यकीन हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए। मंत्रों का उच्चारण तो हो रहा है, पर राहुल गांधी हाथ जोड़कर नहीं खड़े, नीचे हाथ कर ऐसे खड़े हैं जैसे चर्च में प्रार्थना चल रही हो। राहुल गांधी ने अपने पड़ोस में खड़े वरिष्ठ नेता हरीश रावत और अन्य कांग्रेसी नेताओं की ओर भी नहीं ताका, जो मंत्र पढ़ते समय हाथ जोड़कर खड़े थे। हिंदू राज लाने वाले राहुल गांधी ये सब देखते रहे और उनके हाथ नीचे ही रहे। मंत्र पढ़े जाते रहे और राहुल इधर उधर किसी बालक की तरह देखते रहे, जैसे पहली बार ये सब देखा हो। और ये तस्वीरें अब वायरल हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे आएगा हिंदू राज, जिसकी घोषणा आप जयपुर में करके आए थे। मंत्रोच्चारण के समय तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते जनाब। यही वजह है कि राहुल की हिंदू और हिंदुत्व की फिलॉसफी पर रामदेव ने उन्हें बावला बता दिया था और कहा था कि पढ़ तो लेना चाहिए था। खैर, राहुल की इन तस्वीरों को देख आपकी क्या राय है, खुलकर कमेंट बॉक्स में बताएं।